हेलो हेलो हाय हाय, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ विवेक। और आप? मैं रेणुका। रेणुका, बैठ सकते हैं हम यहाँ पर? बिल्कुल। कैसे हो आप? अच्छी हूँ, आप? मैं अच्छा हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। भी अच्छे लग रहे हो। मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। हाँ जी, चलिए कम से कम पहली बार किसी लड़की ने बोला आप भी अच्छे लग रहे हो। नहीं, आप सच्ची में अच्छे लग रहे हो। अच्छा, मैं अच्छा लग रहा हूँ? चलिए बड़ी अच्छी बात है फिर तो ये। हेलो हाय हो गया तो चलिए। अब मुझे लगा मतलब आप इतने अच्छे से हेलो हाय कर रही हैं तो शायद आप बात करेंगी। क्या बात करनी है? मतलब ऐसे ही आप अच्छी लग रही थी तो मुझे ऐसे आपसे बात करनी थी। आपने मेरी तारीफ की थोड़ी सी तो मुझे लगा कि आप बात करेंगी हमसे। आपने मेरी तारीफ करी ना। सही, इसलिए आपने मेरी तारीफ की। जी, तो आप बात क्यों नहीं करना चाहती हैं? क्योंकि मेरा मूड ऑफ है इस वजह से। तो बात करेंगे, मूड सही हो जाएगा। नहीं सही होगा। बात करेंगी तब तो सही होगा। नहीं होगा। ठीक ठीक, अच्छा रीज़न जान लेते हैं क्यों मूड ख़राब है। ना ज़रूरी है, मतलब अगर आप चाहें तो बता सकती हैं। क्योंकि रीज़न ऐसा है कि कोई बिलीव नहीं करेगा। अगर आप दिल से बताएंगी, सच बताएंगी तो सब बिलीव करेंगे। कुछ भी ऐसा है कि लोगों में काफ़ी कास्टिज्म है, लोग नहीं करते बिलीव। मतलब है क्या? तब तो हम सोचेंगे क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली मैं HDFC बैंक में काम करती थी, एज ए एम्प्लॉय काम करती थी। मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा तो मेरा उसमें नाम रेणुका गौतम था। उन्होंने मुझे हायर कर लिया, बट धीरे 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 पता चला कि मैं SC कास्ट की हूँ। फिर उन्होंने काफ़ी कास्टिज्म करना स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ कोई बैठता भी नहीं था, पानी नहीं पीता था कोई मेरा। फिर एक बार, फिर उसके बाद अभी ऐसी प्रमोशन होना हुआ, फिर उन्होंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने मेरे को प्रमोशन नहीं दिया। मैंने ऐसे क्योंकि मेरे से भी काफ़ी लेट जो लड़कियां आती थी उनको उन्होंने प्रमोशन दे दिया, मेरे को प्रमोशन नहीं दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम SC कास्ट की, तुम्हारे साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, बैठना पसंद नहीं करता। इस वजह से बहुत चली। इसमें मेरी गलती थोड़ी कि मैं चमार हूँ। सीनियर ने मुझको रीज़न दिया कि तुम एक SC हो, तुम चमार हो, तुम्हारे साथ कोई बैठना नहीं चाहता। ये रीज़न मेरे को सही नहीं लगा। चमार हो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, कोई मेरे पास बैठना नहीं चाहता, उठना नहीं चाहता, इसमें मेरा फॉल्ट क्या है? आप किस बैंक में काम करते थे? HDFC। आपको किस लिए निकाला गया जॉब से? क्योंकि मैं SC हूँ, इस वजह से। मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। मेरे से लेट आई हुई लड़कियाँ उनको प्रमोशन मिल रहा था। और मैंने अपने जो मैनेजर है उनसे पूछा कि मेरे को क्यों, मतलब क्यों इतना बैकवर्ड करा जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम SC हो, तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता, तुमसे बोलना नहीं चाहता, कोई तुम्हारा झूठा नहीं खाना चाहता, इस वजह से। आप HDFC में काम करते थे? हाँ जी। तो आपने इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं किया? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को सही नहीं लगा। आपको कंप्लेन करना चाहिए था, FIR करना चाहिए था उस मैनेजर के खिलाफ में। नहीं करा। आपको करना चाहिए था। आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मैंने मास्टर्स कर रखी है, MCOM। आप सोचिए, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप इतनी एजुकेटेड हैं, कोई एक मैनेजर इस तरीके से बात कर रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, वहां का जो मैनेजर होता है वो भी अनएजुकेटेड होता है, वो भी MCOM करके नहीं आया होता है। अब तो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, आपने क्यों नहीं बोला? कोई सुनता ही नहीं है यहाँ, क्या बोलने का फायदा है? आपके साथ लोग पानी नहीं पीते थे? नहीं, कोई लंच नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था। आपको कंप्लेन करना चाहिए था। अगर आप नहीं बोलोगे ना तो कोई नहीं बोले। कुछ नहीं होता, सिर्फ लोग मजाक उड़ाते हैं। हम इतने बुरे लोग हैं जो हमारे साथ कोई पानी नहीं पीना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता। आप किस कास्ट के हो? आप छोड़िए, हम किस कास्ट के हैं वो मैटर नहीं करना। फिर भी बताओ। मैं नहीं बताना चाहूंगा। कास्ट की वैल्यू नहीं हमारे लिए यार, इंसान की वैल्यू है। हम सब एक हैं यार। कौन मानता है ऐसा आज? मैं बोलता हूँ दे रहे हैं क्योंकि वो सब कास्ट सेम है। मेरे को बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसी हूँ सिर्फ इस वजह से। बहुत दुख हूँ कि हमारी कास्ट को कोई देखना पसंद नहीं करता, कोई उनके साथ खाना पसंद नहीं करता। सब बोलते हैं कि हाँ इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, कहीं नहीं है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे देखिए कैमरा लगा है और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? आप में मेरी कास्ट का मजाक उड़ाना चाहते हो? मिनट, आप सुनेंगी मुझे?
एक मिनट सुनना तो चाहिए ना आपको। गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, आप किस कास्ट की हैं वो मायने नहीं रखता, आप इंसान हैं ये मायने रखता है। आप जिस भी बैंक में काम करती हैं, आपने छोड़ दिया उन्होंने निकाल दिया? मैंने छोड़ भी दिया या और उन्होंने निकाल भी दिया। क्लियर कट में बताइए, निकाला या छोड़ा? निकाल दिया उन्होंने। निकाल दिया गया। गाइज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, हमारे समाज में क्या चीजें चल रही हैं, आप कास्टिज्म को लेकर के अगर कोई लड़की एससी है तो आप उसके साथ पानी नहीं पीना चाहते हो, उसके साथ आप डिनर लंच नहीं करना चाहते हो? अरे हमारा खून एक है, हमारा ब्लड एक। थू करता हूँ मैं उस बैंक को, ये बोलना चाहता हूँ जिस भी बैंक में इनके साथ ऐसा मिसबिहेव हुआ, क्या आप एससी एसटी कास्ट का पैसा बैंक में नहीं रखते हो? आप तो अपना रेवेन्यू बढ़ाते हो, मतलब काम करने के लिए आपको एससी भी चाहिए एसटी भी एससी भी चाहिए हेल्प करते हो? आपको इक्वलिटी पे बिलीव करना चाहिए यार, हम सब एक हैं। किस तरीके से आप लोग सोचते हो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ। और गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ आज दिल से, अगर आप लोग मुझे अपना भाई समझते हो तो कास्टिज्म के चक्कर में आप मत भागो, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे राजनेता करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि तुम पे मोहर लग जाएगा तुम इस चीज़ को फॉलो करो, दूसरा आदमी डिसाइड करेगा मोहर लगा देता हूँ तुम इस चीज़ को फॉलो करो। एक्चुअल में वो करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, हम एक्चुअल में क्या है, हम वो चीज़ जानते हैं, सिर्फ यहाँ पर आम आदमी का शोषण होता है। मैं चाहता हूँ इस लड़की के साथ जो हुआ किसी भी लड़की के साथ दोबारा ना हो, और आज ही मैं HDFC बैंक से अपना अकाउंट क्लोज करवाता हूँ। इंसान के साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं कर सकते आप, उसको इस तरीके से बिहेव करते हो किसी भी लड़की को, क्विट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसी बैंक जो किसी भी हिंदुस्तानी को बेइज्जत किया जाए। मैं आपको भला बुरा यहाँ कहने नहीं आया था, और कास्टिज्म मैटर भी नहीं करता है। आप चाय पियेंगे हमारे साथ? आप पीना चाहेंगे तो मैं पक्का पीऊँ। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम नहीं पीना चाहेंगे आपके साथ? क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ। आपके साथ ऐसा? इनकी थिंकिंग को ऐसा बनाने के पीछे सबका हाथ है, नजरिया तभी बदलता है जब लोग उसको बदलते हैं। क्यों नहीं पीना चाहूंगा आपके साथ मुझे ये बताओ आप, आप आइए मैं आपके साथ पीऊंगा बैठ करके, आप उठिए तो। और गाइस मैं आप लोगों से अगेन ये बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ, और मैं अभी इसी वक्त से बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं करूँगा। इंसान कास्ट के बारे में कहकर किसी भी हिंदुस्तानी को इस तरीके से इंसल्ट करेगा, मैं उसके साथ बैठना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप जैसे लोग हिंदुस्तानियों का नाम खराब कर रहे हो। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा कि आप चमार हो, इसके साथ पानी मत पियो। आ जाओ यार मैं पीऊँगा आपके साथ।